नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मैं अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइन सह आज युक्त दुई नामलेखा प्रक्रिया कला विज्ञान वाणिज्य संस्कृत और धंदामूलक पाठ्यक्रम आडमिशन आसंता सेप्टेम्बर 5 जाए ऑनलाइन आडमिशन सेबे कॉलेज और विश्वविद्यालय कट ऑफ मार्क उपरे छात्र छात्री नजर एसएजी ग्रुप को आत्मनिर्भर करने को प्रधानमंत्री पदक्षेप आज 4 लाख अधिक एसएजी ग्रुप को 1625 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान करेंगे मोदी 7500 एसएजी सदस्यों को मिल 25 कोटी विहन सहायता आज कटकणा मध्य जगा दर्शन प्रथम दुई दिन सेवायत परिवार को अनुमति 16 पुरीवासी और 23 सर्वसाधारण करें दर्शन आज विश्व हाथी दिवस हाथी सुरक्षा और संरक्षण दिजाई वार्ता ओडिशारे हाथी वंश वृद्धि नहीं लोकों सचेतन कराई वन विभाग कोटिया सह 22 गाँ अख्तियार आंध्र योजना केबे लोभन अफर तो केबे भाषा भितरे लोकों भ्रमित करने को उद्यम आंध्र योजना को विफल करने को अंटा भिड़िले स्वेच्छासेवी राज्य में मौसुमी उभान श्रावण में हो प्रबल खरा और गुळुगुळी सेबड़ आज 17 जिला को कालबैशाखी नहीं सतर्क कराइला पानीपाग विभाग खोर्धार पाइक वीरों असम्मान जराजीर्ण अवस्था संस्कृति भवन स्मृतिस्तंभ और संग्रहालय घोषणार 4 वर्ष पर भी बरुण पादेश आरंभ होनी संग्रहालय ग्राम एवं राजधानी में डराउछि डेंगू 24 घंटे आउ 49 रोगी चिन्हट भुवनेश्वर डेंगू रोगी संख्या 1058 को वृद्धि सचेतनता सफे कार्य को व्यापक कला बीएमसी तो बुलेटिन आरंभ करवा भुवनेश्वर आसुवा एक बड़ खबर सहित प्रेम में विफल पर युवती एसिड माड़ कला युवक भुवनेश्वर धौली थाना बालियापड़ा गांव में घटी एभली अभावनीय घटना एसिड माड़ में युवती देहर किसी अंश पोड़ जाए गुरुतर अवस्था युवती प्रथम कैपिटाल हस्पिटाल और पर एसटीबी स्थानांतर कर घटना पर युवक फेरार थिबा बेले पुलिस यह घटनार अधिक तदंत जारी रखी बड़ खबर जहाँ राजधानी भुवनेश्वर आसी पहुंचुची प्रेम में विफल होगापर युवती एसिड माड़ कर प्रेमिक युवक भुवनेश्वर धौली थाना बालियापड़ा गांव में घटी एभली अभावन घटना एसिड माड़ में युवती देहर किसी अंश पोड़ जाए गुरुतर अवस्था युवती प्रथम कैपिटाल हस्पिटाल भर्ती करवस्था गुरुतर होवर एसटीबी स्थानांतर कर पुलिस तदंत चलाई युवक जनक फेरार जमापड़े चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पाई चिन्मयी केते बेले घटी छे घटना और पूरा घटना कौन निहत भाव अपूर्व जी कही गोटे जो युवक युवती दि जन से घटना टी का बोली जहाँ सूचना मिली युवक युवती पूर्वर मध्य निर्बंध सरी जाए आग को बाहर हबार किंतु जहाँ सूचना मिलू कि भितर कौन गोटे कथा को नहीं बचसा है सन्देह रूल घटना घटी जहाँ लोक मैंने सन्देह करस्पर युवक और युवती परस्पर भितर कौन गोटे मनमालीन कौन घटना को लेकिन भितर बचसा है से जो प्रेमिक जनक रही रागि जाए युवती एसिड मार्ड कर शरीर पाखापाखि 70% जली जाइए जो सूचना रही का दिन 4 बेले जी कह कैपिटल हस्पिटाल एडमिट होते अवस्था गुरुतर होवर पुलिस तरफ कौन प्रस्तुति करा जाऊँ ची पुलिस तरह तदंत जारी रखी युवती को हॉस्पिटल को स्थानांतरण पर युवक फेरार अच्छा फोन ट्रैकिंग चली भाव यथा संभव युवक को धरने पुलिस तरह तदंत जारी रखी
बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि तमाम अपडेट देउथिले। राजधानी रे विफल प्रेमिकर उन्मत्त कांड युवक उन्मत्त कांड प्रेम विफल होगापर युवती एसीड माड़ कला युवक युवती देहर किसी अंश पोड़ जाता बेले प्रथम कैपिटल हॉस्पिटल भर्ती करा अवस्था संकटापन्न होवारु कटक बड़ मेडिकल भर्ती करा जाए। भुवनेश्वर धौली थाना बालियापड़ा गाँव में घटी एभली अभावनीय घटना। आजठ आरंभ हो युक्त दुई नामलेखा प्रक्रिया कला विज्ञान वाणिज्य संस्कृत और धंदामूलक पाठ्यक्रम नामलेखा पर आवेदन करेंगे छात्र छात्री। दिन 11 साम्स पोर्टाल उपलब्ध हो फर्म माध्यमिक शिक्षा परिषद अधीन मैट्रिक पास करथिबा किंबा समान योग्यता छात्र छात्री आवेदन करें। आसंता सेप्टेम्बर 5 तारीख पर्यंत नामलेखा जारी रहिबो। सेप्टेम्बर 13 पूर्वाह्न प्रथम पर्याय मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबो। 14-21 तारीख मध्य नामलेखा अनुष्ठित हेबो। सेप्टेम्बर 27 रे द्वितीय पर्याय मेरिट लिस्ट प्रकाश करा जिवो और नामलेखा सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 1 मध्य रहिबो। या सहित अक्टोबर 4 रे स्पॉट एडमिशन पई छात्र छात्रीों तालिका प्रकाश पाइबो। अनेपटे आरंभ होता नामलेखा प्रक्रिया रे कॉलेज और विश्वविद्यालय कट ऑफ मार्क उपरे समस्तंक नजर रहिछ। आज दिन 12:30 आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथस महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्यों सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया करेंगे आलोचना। एक कार्यक्रम में देशर विभिन्न स्थानों महिला एसएजी सदस्यों सफलतार कहानी सहित कृषि जीविकार सर्वभारतीयकरण उपर एक पुस्तक प्रकाश करेंगे प्रधानमंत्री। 4 लाख अधिक एसएजी ग्रुप को 1625 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान करेंगे पीएम मोदी। यह व्यतीत खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्रालय पीएमएफएमई योजन 7500 एसएजी सदस्यों 25 कोटी विहन सहायता प्रदान करा जिवो और 75 कृषक उत्पाद संगठन को 4 कोटी 13 लाख टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री। दीर्घ मास परे आज खुलिला श्रीमंदिर। आज और आसंता काली दुई दिन महाप्रभु दर्शन करिपारिबे सेवायत परिवार। मंगल आरती ठारु रात्र पहुड़ पर्यंत दर्शन करिहेबो। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किंवा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु दिया जाइथिबा परिचय पत्र देखाई श्रीमंदिर भितरकु जाइहेबो। 16 तारिखरु पुरीवासींकु दर्शनर सुजोग मिलिबो। सेपरि 23 तारिखरु सर्वसाधारण कोविड नेगेटिव रिपोर्ट किंवा 2 डोज टीकार प्रमाणपत्र देखाई दर्शन करिपारिबे। तेबे प्रवेश पूर्वरु हाथ सानिटाइज करने सहित मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक। पूर्व गाइडलाइन अनुजाई श्रीमंदिर भितरे कौनसी पार्श्व देवादेवी को स्पर्श करिपारिबे नाही। या सहित दिन दीप जालिबा और भोग नेबा नै कटकणा जारी होईछि। आनंद बजार में महाप्रसाद सेवन नै मध्य प्रशासन पक्षरु बारण करा जाइछि। तो आज और आसंता काली दर्शन करुछंती सेवायतंक परिवार। दीर्घ मास परे श्रीमंदिर खोलुछि। दुई दिन प्रथम दर्शन करें सेवायतों परिवार। मंगल आरती ठारु रात्र पहुड़ पर्यंत दर्शन करहेबो। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किंवा श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जो परिचय पत्र दि जाए देखे सेवायत परिवार सदस्य महाप्रभु को दर्शन करें। से 16 तारीख केवल पुरीवासी को दर्शन सुजोग मिल 23 तारीख सर्वसाधारण को सुजोग मिल जगा कालिया को दर्शन करने कारण रत्न सिंहासन दीर्घ मास धरी अनेक लोक देखी ना जगा कालिया को जगन्नाथ को देखी ना महाप्रभु को देखापी भक्तर मन आतुर एवं 23 तारीख रु सर्वसाधारण दर्शन सुजोग मिल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बा 2 डोज टीकार प्रमाणपत्र सहित दर्शन करें सर्वसाधारण। आलोक आशुतोष आम प्रतिनिधि अच्छा पुरी में सीधासलख नहीं चलु अधिक सूचना पाई। आलोक दीर्घ मास अपेक्षार अंत्य होदिओ सर्वसाधारण दर्शन 23 रु आरंभ हो किंतु लोकों भितर से उत्साह तो थी ना खासकर सेवायत परिवार जो माने इत्ते दिन धरी रत्न सिंहासन उपरे कालिया ठाकुर को दर्शन करना से माने केते खुशी। देखंतु अपूर्व रंजन गोटे कि दुई दिन नुह कोरोनार द्वितीय लहर पर 4 मास श्रीमंदिर बंद रही
एप्रिल 24 तारीख रु श्रीमंदिर बंद रही था किंतु छत्तीसगढ़ नियोग बैठक में जहाँ निष्पत्ति होता पूरीवासी 16 तारीख रु श्रीमंदिर खोल किंतु गत काली विस्तृत एसओपी आसी आज एवं आसंता काली अर्थात 12 तारीख और 13 तारीख सेवायत मानक अग्राधिकार दिजा से ही परिप्रेक्षी में सेवायत मान आज दर्शन व्यवस्था आरंभ आम जेहेतु चारिद्वार सेवायत पर सेवायत मैंने प्रवेश करपर कि सेवायत मैंने जाऊँ महाप्रभु को दर्शन करने को किंतु सेवायत मानी मंगल आरती पहुड़ पर्यंत समस्त नीतिकांति किभली भाव सुरखुरी दर्शन करेंगे से नहीं प्रशासन तरफ व्यापक व्यवस्था कर सेवायत मैंने निज निजर हेल्थ इन्सुरांस कार्ड हो कि श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा दि जाइए कार्ड तासहित निज निजर परिचय पत्र देखा श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करें प्रथम आम अगणित दर्शक मानक भक्त मानक महाप्रभु पथित पावन प्रथम सानिध्य नाक बर्तमान चाहिए सीधा साल दृश्य देखुं पथित पावन को बर्तमान सजा चलती सका सकु मंगल आरती मैलम सरवापर महाप्रभु अन्न्य नीति चलती जेहेतु चारि द्वारा देखिए सेवायत मैंने प्रवेश करवार परेश देखुंत कि सेवायत पर सदस्य जाऊँ तो निश्चित भाव में जो अपेक्षार अपेक्षा था समस्त श्रीमंदिर खोल सरकार और जिला प्रशासन सेवायत मानक जेहेतु प्रथम अग्राधिकार देखते से ही परिप्रेक्षी में आम अपूर्व किसी सेवायत पर लोक प्रतिक्रिया आनी बे खुशी जाहिर करण दीर्घ चारिमास हम जगार आखि सहित से आखि मिशि ना आज जेहेतु महाप्रभु को दर्शन करते रत्न सिंहासन से मन में अहेतुक खुशी सेमाने मध्य आश्वासना देखते आम प्रत्येक दिन मंगल आरती ठारु रात्र पहुड़ पर्यंत महाप्रभु तमाम नीतिकांति दर्शन करूँ तो निहाती भाव में आप जानते जिते बड़े करोनार प्रथम लहर पर मार्च मसूर श्रीमंदिर बंद रही है डिसेंबर 23 में जिते बड़े श्रीमंदिर खोली था डिसेंबर 23 24 25 तीन दिन पर्यंत सेवायत मानक प्रथम सुजोग दी जाइए अनुरूप भाव में आज दुई दिन पर्यंत सेवायत मानक सुजोग दी जाइए सेवायत और सेवायत पर निश्चित भाव में गोटे भाविहल परेश रही है समस्त आखिर अनेक अश्रु झड़ पड़ी कारण आम जिते बड़े परिवार लोकर महिला मान प्रतिक्रिया आनी से दुखने मीरमाण हो पड़ते महाप्रभु प्रार्थना करभली भाव में करोना टली जाऊ सर्वसाधारण सदा बेले चारिद्वार उन्मुक्त रहू कि बड़ कथ जानते 16 तारीख रु श्रीमंदिर खोल केवल पूरीवासी पूरीवासी मैंने वार्ड वारी दर्शन करेंगे और प्रशासन द्वारा जो चिरीकुटी जगे दी से चिरीकुटी देखेंगे और पूरीवासी अपूर्व रंजन आप जानते कौन नेगेट रिपोर्ट कि टीकार दुईट प्रमाणपत्र नहीं बाध्यतामूलक कराए नहीं केवल पूरीवासी निज निजर परिचय पत्र देखे श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करेंगे किंतु श्रीमंदिर भितर जो पूर्वर एसओपी रही था पूर्वर कटकणा रही था से ही कटकणा को समस्त मानवे श्रीमंदिर भितर कहीं पान छेप पकई पारे ना श्रीमंदिर भितर पार्श्व देवादेवी प्रतिमा को कहीं स्पर्श करें ना आनंद बजार बस महाप्रसाद खाई ना श्रीमंदिर भितर भोग तुलसी नैवेद्य नहीं पारे ना कि श्रीमंदिर भितर दीप जाली पारे ना जो पूर्व कटकणा रही था से कटकणा सामान भाव में बलबत्तर रही तो निश्चित भाव में पूरीवासी केवल अपेक्षा करते 16 तारीख दिन को अपेक्षा करते 16 तारीख आसने महाप्रभु दर्शन करेंगे और तीनोटी दफार दर्शन व्यवस्था करोटी पर्यायर में दर्शन व्यवस्था okay. तो निश्चित भाव में आज तो सेवायत परिवार महाप्रभु दर्शन करपेक्षा रही आसंता 16 तारीख को पूरीवासी किभली भाव में कटकणा भितर महाप्रभु दर्शन करेंगे अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते श्रीक्षेत्र पुरीर जे आज सेवायत परिवार को दुई दिन दर्शन पर अनुमति मिली एवं 16 तारीख रु पूरीवासी अनुमति मिल 23 तारीख रु सर्वसाधारण उपयुक्त प्रमाणपत्र देख दुईट डोज टीका नेबार प्रमाणपत्र किंबा वैक्सीनेटेड प्रमाणपत्र देख महाप्रभु को दर्शन करें आसंता 23 तारीख रु आप देखते अर्गस अपडेट ब्रेक र समय ब्रेकफास्ट स्वागत आज हूँ विश्व हाथी दिवस हाथी संरक्षण और सुरक्षापी प्रतिवर्ष अगस्त 12 तारीख में पूरा विश्व हाथी दिवस पालन कराए विश्व हाथी संख्या दिनक दिन ह्रास पाता बेले आम राज्य में प्रतिदिन हाथी मृत्यु किंवा हाथी मनीष मध्य लड़े घटना सामनाक आसुचे जंगल ह्रास जो एवं हाथी वंश संकट में खाद्य अभाव गाँ मुहां हो हाथी तेणु एम सुरक्षापी अगस्त 2012 प्रथम थरपाई थाइलैंड रे हाथी दिवस को पालन करा तेज आज मयूरभंज जशीपुर हाथी दिवस पालन होता बेले हाथी सुरक्षापी बार्ता देखते करंजिया डीएफओ और रेंजर एथस सातकोशी अभयारण्य को पठाई हाथी महेन्द्र और युवराज को पुणी शिमिलीपा फेर आने सरकार को अनुरोध कर जशीपुर बासिंदा आज विश्व हस्ती दिवस समय आम लोकल हीरो महेन्द्र को बहुत मिस करूँ सी आम एट जो आते काठमाफिया शिमिलीपाड़े
बहुत मात्रा थिले एवं झारखंडी हाथी बारंबार आसी आम गोलमाल करते जहाँ को खेदवा महेन्द्र को अणाइला राजकुमार सहित थे जहाँ को कि आम छुआ भाई देखी और राजकुमार महेन्द्र को आज आम समस्त बहुत मिस करूँ आम जुव मंच तरफ बारंबार दाबी करोग कराइला विश्वहस्ती दिवस आम समस्ते चाहूँ महेन्द्र को अथे वापस अणाजु आम शिमिपाल हाँ ये विश्व हाथी दिवस उपलक्ष्य मुझे कहना चाहूँगी शिमिपाल गर्व आ गौरव जो महेन्द्र एवं राजकुमार ये जो हाथी थे बर्ष बर्ष धरी शिमिपाल आम शिमिपालवासी को जो सुरक्षा जगह आसते काठ माफिया जो शिकारी मानक धरवे सफल होते जिते बड़े वन विभाग फेल मारुला शिकारी मानक धरवाई से महेन्द्र हाथी उपरे बस वन विभाग धरवाई सफल होता तो आज ये विश्व हाथी दिवस उपलक्षे जो आम शिमिपाल गर्व आ गौरव महेन्द्र और राजकुमार को जो सातकोशिया चंचकता नवार जो योजना ठीक से सफल होती आम चाहूँ जे सातकोशिया पी शिमिपाल को फेर आने समस्त दाबी कर प्रतिवर्ष ओकेजन सेलिब्रेट करूँ सो से दिन आम बहुत महत्वपूर्ण अच्छी जेहेतु आम ओडिशा प्राय अलमोस्ट बहुत डिस्ट्रिक्ट सब अलमोस्ट प्राय 80-90% डिस्ट्रिक्ट हाथी बुलाती सो एलिफेंट इज आम बहुत गोटे इम्पोर्टेंट गोटे आम जंतु अच्छी स्पेशली ओडिशा पाई जो कि आम ओडिशा प्राइड अच्छी से प्राइड आम जो कमी जतन करवा सुरक्षा और रक्षा देवा से ऑकेजन आम पाखे अच्छी जो दिन आम चिंता करवा सो से ऑकेजन आम कौन हुए कि आम अवेयरनेस मीटिंग करूँ लोक जनाऊ कि केमती आम हाथी रक्षा करवा केमती हाथी मिनिमम डैमेज तर घर थी ना क्रॉप क्रॉप फील्ड थोड़े केमती डैमेज रहा कम लोक सा नहीं कि हाथी को केमती आम ड्राइविंग करवामी कन्फ्लिक्ट को आम मैनेज करवा से आम चिंता करवा से दिन कोटिया समेत कोरापुट जिलार 22 खंड गांव पर पड़ोसी आंध्रर नजर जेको उपाय सब गांव को अख्तियार करने को योजना चल आंध्र प्रदेश के लोकों लोभनीय अफर दे तो के भाषा भितर भ्रमित करने को उद्यम कर देखु ग्राउंड रिपोर्ट कोटिया अख्तियार आंध्रर नुआ चाल के निर्वाचन तो के लोभनीय अफर आज भाषा फड़क लग लोक भ्रमित करने को नुआ स्ट्राटेजी जेकोसी उपाय कोरापुट जिलार कोटिया गांव को निजर करने को चेष्टा चल पड़ोसी आंध्र प्रदेश जोठी ओडिशा सरकार विधवा भत्ता देशश टा से आंध्र दे 2250 टा दिव्यांग भत्ता ओडिशा 700 टा दे आंध्र सरकार लोके 5000 टा जे मैंने पढ़ापढ़ी कर घरे अच्छा तो से मानक एक्चुअली किसी मिलूना किसी सुविधा सुजोग दि जाऊना कहीं ओडिशा सरकार कोटिया प्रति के 150 कोटी खंडे माने पैसा देला तहीं रे माने मेडिकल हैला तापर रास्ता घाट हैला तापर क्लस्टर बिल्डिंग हैला पुलिस थाना हैला सब हैला हेले जे माने कि फौजी माने पाठ पढ़ापढ़ी करछंती से मानकु किछि माने चाकरी क्षेत्र अनुसार किछि दिया होने आंध्र रे सुविधा सुजोगटा टिक अधिक दिया होछि जो आंध्र सरकार घोषणा कर भत्ता पैसा 2250 लाख दे सियाड़े रेशन जो इटा कले आंध्र प्रदेश रु कर दे आम सार्की सार्की रे दिह चाउलटा आर 6 मास फ्री चाउल देले आठ कौन है जो गोर खाइबार डाली पनीपरिया सब दे आलू जा सर्फ इटा सब दे आड़सा तो आम चाकरी करबु चोटिया मोटे पिओन कि कौन करबु कहले भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब देले भी किसी नहीं पार ना आम जीवन जीविकापी आम जहाँ भी करबु बोली भाभीलु हेले भी किसी आमको दे पार ना केवल कोटिया नुहे बटांगी और नुआगा समेत चारोटी पंचायत 22 खंड गाँ को अख्तियार करने को योजना करुच्छी आंध्र गोटेपटे कोरापुट जिला प्रशासन कहुची कि कोटियारे आंध्रर कौन प्रकार अनुप्रवेश नाही हेले लोके कहुचंती आंध्र ओडिशा थारु अधिक सुविधा देउची आउ रोजगार मध्य देउची चलित मासरे एही गाँ मानकरे आंध्र तेलुगु भाषा फलक लगाइबाकु योजना करिछि तेबे एहाकु सफल कराइ न देबाकु स्थिर करितबा कहिसंती स्वेच्छासेवी बर्तमान आज्ञा देखंतु कोटियारे तो आमर
ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ କଲୋନି ଘର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ପରକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପେନସନ୍ଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦ୍ରାମୁଆ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବସିକିନା ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଆଉ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବତାୟ କରିକି ସେମାନେ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେନା ସେଇଟା ମାତ୍ର ଆମେ ମାନେ ଶୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଲୋଭନୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ଗଡ଼ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଏହି କନ୍ଦଳର କେବେ ଅନ୍ତ ହେବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ, ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲ୍ଲଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଉଭାନ, ଧାରାଶ୍ରାବଣରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କାଁ ଭା କେଉଁଠି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜଧାନୀରେ ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ସହରରେ କରୋନା କମିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ଆଉ 49 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 1058ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 748 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 310 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଚେତନତା ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। 11,056 ଘରୁ ମୋଟ 47,296 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 34,707 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନକୁ ହଟାଇବା ସହ 35,225 ସ୍ଥାନରେ ମଶା ଲାର୍ଭାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଭାରତ ଧର୍ମମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ। ନିକଟରେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିପଦରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାଦ ଯାଉନି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ଉପାସନା ପୀଠ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ସେଠାକାର ସରକାର। ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ମନ୍ଦିର ସହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଇସଲାମିକ କଠୋରପନ୍ଥୀ। ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଉଥିବା ତଥାକଥିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭାରତ ଧର୍ମମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ। ନିକଟରେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସେଠିକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶର ଖୁଲନା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ତାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଖୁଲନା ଜିଲ୍ଲାର ସିଆଲି ଓ ଗୋବାରା ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଏହି ଖବରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଚାରିତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମସଜିଦ ନିକଟ ଦେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଲବୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ
हिंदू भक्त और मौलवी मध्यरे बचसा होता। यहाँ विभिन्न मारणास्त्र सज्जित आतंकवादी माने गाँव प्रवेश करी चारोटी मंदिर को ध्वस्त कर हिंदू मानकर घर उपर मध्य आक्रमण होइछि। अनेक दुकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नष्ट कर दि जाइछि। बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदू मानक उपर आक्रमण किसी नुआ कथा नुहे। 2012-2013 मध्य हाथ जोड़ी बसिखाली सातीखीड़ा चिरीर बंदर रामु सात्य और बरिशाल संख्यालघु हिंदू मानक उपर अन्यून 20 थर आक्रमण हो सेमानकर घर मंदिर दुकान बजार आदि जाली दिया जाइछि। 2016 मसीहा रे नसीर नगर रे एक फेसबुक पोस्ट को केन्द्र करी 19 मंदिर रे इस्लामिक कट्टरपंथी माने भंगारुजा करथिले। 2017 मसीहा रे रंगपुर ठारे मध्य कट्टरपंथी मुसलमान मानक द्वारा संख्यालघु हिंदू मानकर घर को जाली दिया जाइथिला। सेही परि गत वर्ष नवंबर मास रे कमिला जिल्लार मुरादनगर ठारे जलाई दिया जाइथिला हिंदू मानकर घर द्वार। बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदू मानक उपरे आक्रमण घटना बढ़ुतिबा बेले मानविक अधिकार ठिकादार माने एहाकु नै संपूर्ण नीरवता अवलंबन करुछंती। आतंकवादी एवं रोहिंग्या मानकर मानविक अधिकार कथा कहुतिबा आम देशर तथा कथित मानवाधिकार कर्मी माने संख्यालघु हिंदूंक घटनारे पार्टी चुप करिबा एबे सेमानंक एजेंडा प्रति सृष्टि करिछि प्रश्नवाची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त रही अर्गस अपडेट को ये रखुचु मत विदा दियंतु। नमस्कार।